अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट आता हो अगर न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते, तो वैसे बच्चों के लिए खास तौर पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ मैन गोस 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट इज। तो जैसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक आदमी है जो इस तरह से, आप लोगों को मालूम होगा कि हम इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते, नीचे वाले डायरेक्शन को साउथ बोलते, और इस साइड वाले डायरेक्शन को ईस्ट और इस साइड वाले डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि मैन गोस 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के साइड में 10 मीटर गया, तो नॉर्थ के साइड में 10 मीटर्स ये हो गया। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नॉर्थ साइड में कितना बोले हम लोग 10 मीटर्स, तो नॉर्थ साइड में आ गया 10 मीटर्स। उसके बाद वो क्या करा, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसे नहीं करना है कि फिर से आदमी को लिए हम लोग इधर उतार दिए, तो ऐसे उतारोगे तो गलत हो जाता। क्यों गलत होता ऐसे उतारे तो, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सन यहाँ पर पहुंच गया, वो पर्सन है ना इधर है वो, तो उधर से उधर रहने के बाद यहाँ पर आगे कैसे जाते हो, नहीं जाते। तो जो हमको ईस्ट साइड जाना है वो इसी पॉइंट से ट्रेवल करना है, इसी पॉइंट से ट्रेवल करना है, मतलब हमको ईस्ट जाना है ऐसे करके, नीचे से नहीं, जहां तक पहुंच गए थे उसके बाद। तो 10 मीटर्स नॉर्थ, देन 20 मीटर्स ईस्ट। तो ईस्ट जाने के बाद वो हमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, इट इज नथिंग बट फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, बोलते हैं ना वेक्टर, वेक्टर के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल पोजीशन क्या है, हमारा फाइनल पोजीशन है ये, है ना, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, हमारा इनिशियल पोजीशन है ये, हम यहाँ से शुरू करे थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, ठीक। और जैसे आपको मालूम है कि क्वेश्चन में 10 मीटर्स नॉर्थ दिया था वो, और 20 मीटर्स क्या दिया था वो, ईस्ट दिया था। तो हम आपको ये वाला साइड मालूम करना है, देख के दिख रहा कि ये ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जितना मेरे को मालूम है आपको अच्छा से आता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो हमें मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हम वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर साइड है या जिसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं कहीं पे एंगल लगा लेंगे, तो वो करीब है हमारे पास 10 मीटर्स। तो यहाँ पर लिखना है 10 का स्क्वायर, देन फिर उसके बाद लिखना है 20 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट 100, 20 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट 400, इफ यू ऐड दिस टू यू विल गेट 500। बट हम आपको हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हम स्क्वायर को उधर भेजाएंगे, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 500। तो पहले तो ये याद रखो बच्चों कि अगर रूट 100 है, तो 100 का रूट 10 निकल जाता, तो 10 तो बाहर निकल गया, शॉर्टकट बोल तो 2 जीरो का रूट 1 जीरो, ठीक है। तो अंदर क्या बन गया, रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू क्या है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो रूट 5 की वैल्यू जो है बच्चों, अगर आपको मालूम है कि रूट 4 की वैल्यू होती है 2, बराबर, और रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो रूट 5 इन्हीं के बीच में बोले ऐसा, मतलब 4 के बाद ही आता है, तो 2 के जस्ट बाद होगा मगर 3 नहीं होगा, टू के जस्ट बाद होगा मगर 3 नहीं होगा। तो ज्यादा ज्यादा ये क्या हो सकता है, 10 लिख के हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो 2.1, 2 के बाद ना, 2 के बाद और 3 से पहले 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 2.3 ले लेते हैं या 2.2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मालूम है आपको 10 है यहाँ पर, पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा करीब करीब 23, अप्रोक्सीमेटली 23। तो 23 वाला ऑप्शन किधर है, 25 ऑप्शन हो सकता है, इम्पॉसिबल। क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको मालूम है 2.3 हो सकता है, मगर एग्जैक्टली 4 और 9 के बीच का नंबर नहीं है वो, 5, 4 के जस्ट बाद आता है 5, है ना, 6 7 की बात नहीं कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। तो 25 नहीं हो सकता, जब 25 नहीं हो सकता तो उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, 30 का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों, अगर रूट 9 होता तो 3 आता था ना, तो 3 × 10 = 30 आता था, तो रूट 9 नहीं है यहाँ पर, रूट 5 है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा दिख रहा है हमें, हमें आंसर सही दिख रहा है ये वाला, कौन सा वाला, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो पूछिए, समझाने के इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट हम ये वाले मेथड से आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरह का, क्या है वो क्वेश्चन आपका, एन एरोप्लेन फ्लाइज
400 meter north and 300 meter south, and then flies 1200 meter upwards, then net displacement is. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस देख के डरा रहा हूँ आपको. क्या है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, देखिए. पहले ये बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो पहले कहाँ गया, ऐसे नॉर्थ साइड गया. कितना गया नॉर्थ साइड, 400 मीटर गया पहले. अच्छी बात है, 400 मीटर चला गया. अब कहाँ पर एरोप्लेन शुरू यहाँ से करा था, 400 मीटर मतलब अभी इधर है वो, ठीक है. उसके बाद वो क्या करा, वो वापस आ गया. साउथ का मतलब क्या है, नीचे ना, नॉर्थ के अपोजिट. आप याद है शायद हम डाले थे यहाँ पर नॉर्थ डाले थे और इधर से क्या डाले थे, साउथ डाले थे. तो नॉर्थ में तो ऊपर जाना, साउथ मतलब नीचे आना ना. तो 400 मीटर ऊपर चला गया, उसके बाद वो क्या हो रहा है, एंड 300 मीटर साउथ मतलब ऊपर जाने का कि वापस नीचे आया. तो वापस नीचे आया मतलब मैं येलो वाले से डाल रहा हूँ, देखिए वो पहले इधर था 400 से, तो 300 वापस आ गया. अब उसका फाइनल पोजिशन क्या है, अब उसका फाइनल पोजिशन है ये, ठीक है, ठीक है ना. और आपको मालूम है शायद कि ये वाला डिस्टेंस कितना बोले हम लोग, ये वाला डिस्टेंस है हम इसको बोलेंगे 100 मीटर. क्यों, क्योंकि 400 गया था, 300 मीटर वापस आ गया, तो कितना बच गया इनिशियल पोजीशन से, कितना दूर है, इनिशियल पोजीशन से ये वाली पोजीशन कितना दूर है, करीब करीब 100 मीटर दूर है. 100 मीटर दूर होने के बाद फिर वो क्या करा, वो 1200 मीटर अपवर्ड्स गया. पहले तो नॉर्थ साउथ को हम ये बोल रहे, जैसा अगर मैं अच्छे से समझाऊँ आपको, तो मान लीजिए नॉर्थ साइड ये है, साउथ साइड आपके साइड, ईस्ट साइड वो है, वेस्ट साइड ये है, तो फिर ये वाला कौन सा साइड है, अपवर्ड. तो उन्हें पहले 400 मीटर नॉर्थ गया था, फिर 300 मीटर वापस आ गया, फिर उसके दोनों कहाँ गया, ऊपर. तो शुरू कहाँ से करा था, इधर से है ना, पहले 400 गया, 300 गया, फिर ऊपर गया, शुरू यहाँ से करा था. तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम आपको मालूम करना है. तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब ये 100 मीटर है, और इस तरह से अपवर्ड मतलब करीब करीब ऐसे कुछ बाहर करके आ गया वो, है ना, ऊपर से जाता ना. ये अगर 100 मीटर है ना, ये 100 मीटर है, तो अपवर्ड का मतलब क्या है बच्चों, अपवर्ड का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है जो बताने के लिए, ये देखिए हमारे पास ये अपवर्ड ऐसे चलेगा. तो ये 100 है, अपवर्ड कितना गया 1200 मीटर. तो हमको हाइपोटेनस निकालना है. किसका हाइपोटेनस निकालना है, हमको एक ट्रायंगल डालना है यहाँ पर, जो कि हो इधर साइड 100 मीटर और अपवर्ड साइड कितना हो बच्चों 1200 मीटर. तो जब हमको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके रहेगा, कैसे करके रहेगा, यहाँ से हम शुरू करें और इधर तक, है ना, ये वाला है नेट डिस्प्लेसमेंट. बहुत आसान है, बस इसको कंफ्यूज नहीं होना हम लोग. तो कैसे निकालेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट, अगेन वही फार्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, वही करना है हमको. तो हम लोग एक बार कर लेंगे उसको, एक मिनट दीजिए जरा, सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं. जी राइट. तो हम लोग क्या बोले बच्चों, हम लोग ये बोले कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ठीक हो गया. तो अपोजिट कितना है, जैसे आपको मैं ट्राइंगल बताया था यहाँ पर, ये वाला 100 था और ये वाला कितना था बच्चों, ये वाला था 1200. तो ये हमको उसका रिजल्टेंट निकालना था. तो हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट की जगह पे 100 लिख लेते हैं और इसकी जगह पे लिख लेते हैं हम लोग 1200 का स्क्वायर. तो जैसा आपको मालूम है कि 12 का स्क्वायर जो होता है, 12 इंटू 12 अगर आपको मालूम है, तो 12 इंटू 12 विल गिव यू व्हाट, 144. तो यहाँ पर आ जाएगा 100 है ना का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना बोला था मैं, 144. और अगर ये दो जीरो का हम स्क्वायर करेंगे तो टोटल 4 जीरो आ जाएंगे. तो बेटर ये है कि हम इसको भी स्क्वायर करके लिख ही देते हैं. तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर विल गिव यू मोर 2 जीरो, है ना. तो 100 का स्क्वायर 10,000. अगर आप सबको ऐड करोगे 10,000 को, मैं तो बोल रहा हूँ यार कॉमन ही दे दो, तो अगर 10,000 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस 144. तो 10^4 लिख सकते हैं इसको, और 144 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 145. और हमको हाइपोटेनस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा. तो 10^4 का रूट क्या आएगा, 10^4 का रूट आएगा 10^2. तो हाइपोटेनस इक्वल टू आएगा 10^2, और 145 का रूट हमको निकालना है. जैसा मैं बोला था लास्ट टाइम भी कि हमें ऑप्शन को देख के डिसाइड करना है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है. तो पहला ऑप्शन है 13, मतलब 13 कब आएगा, 13 आएगा रूट 169 पे. 169 है क्या, नहीं, 169 से कम है, मतलब आंसर 13 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, 13 से कम क्यों होना है. तो पहले तो हम ये हटा देंगे कि ऑप्शन 13 नहीं हो सकता है.
ऑप्शन 14 का तो सवाल ही नहीं उठता, 39 नहीं होता, 14 कैसे होता, 15 भी नहीं हो सकता है। एक ही एक ऑप्शन है जो नियरेस्ट है वो है 1200, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1200 मीटर्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान, क्या है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में वो पूरा एक राउंड मार रहा, ठीक है। बड़ा ही आसान रहता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, क्या करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से डाटा को समझना है और जो भी फॉर्मूला है उसको लगाना है। आप लोग सुने होंगे ना, नोन देखना है पहले, पहले क्या देखना है, पहले तो नोन देखना है, ठीक है, बाद में अननोन देखना है, फिर डेफिनेशन लगाना है, फिर आउटपुट करना है, फिर सब्सटेंशिएशन करना है। कभी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में इस मेथड के बारे में बात करेंगे, बट अभी हमको नोन निकालना तो आता है, हमको बहुत आसान है। क्या करना है, खाली पढ़ना है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड्स, मतलब 40 सेकंड में वो पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर रहा है, कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड में। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, 40 मिनट में एक, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा, तो 2 मिनट 20 सेकंड में क्या होगा, पहले तो मुझे बोलो 2 मिनट में सेकंड्स होते कितने हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि 2 मिनट्स इज नथिंग बट योर हाउ मच, 120 सेकंड्स, है ना, 120 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड से, तो टोटल कितना टाइम भाग रहा है, वो टोटल भाग रहा है 140 सेकंड्स। तो 40 सेकंड में एक राउंड करेगा, है ना, 40 सेकंड में क्या करेगा, एक राउंड करेगा, फिर और 40 सेकंड यानी कि 80 सेकंड में 2 राउंड करेगा, 120 सेकंड में 3 राउंड करेगा, 120 सेकंड में 3 राउंड करेगा, 140 सेकंड में, यानी कि 120 या फिर 20 सेकंड में वो कहाँ रहेगा, मतलब यहां से शुरू करेगा तो इधर पहुंच जाएगा वो, मतलब 3 कंप्लीट सर्किल करने के बाद, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, 3 कंप्लीट सर्किल करने के बाद प्लस वो और एक हाफ सर्किल भी करेगा, हाफ सर्किल भी करेगा, मतलब इधर सेट नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जरा सा इसको हटा देते हैं, राइट जी, बहुत खराब हो गया शायद, और अच्छा कर देंगे। तो हमको क्या मालूम करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शुरू कहां से करा है, यहां से, खत्म कहां पर कर रहा है, यहां पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला। तो सर्किल का रेडियस कितना है, वो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि सर्किल का जो रेडियस है बच्चों, सर्किल का रेडियस कितना बोल रहा था वो, आर। तो फिर यहां से आता डिस्टेंस भी क्या होगा, आर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। अगर हम इसे पूछेंगे कलर दिखता है या नहीं दिखता है, हाँ चल दिख रहा है, तो 2r क्या है भाई, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हमको कोई पूछे डिस्टेंस कितना कवर करा, तो हम डिस्टेंस बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितने बार करा है, वो 3 बार, तो 2πr + 2πr + 2πr कितना होगा टोटल, 6πr, 6πr फिर और प्लस आधा, आधा मतलब पाई आर। तो टोटल वो अगर डिस्टेंस हमें कोई पूछता तो हम बोलते कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग, 7πr। बट खैर हमको यहाँ पर क्या मालूम करना था, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था, सो डिस्प्लेसमेंट इज बी, 2r इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, राइट। अगला क्वेश्चन है ये, इसके ऑप्शंस नहीं है बट मैं बोल दूंगा ऑप्शंस क्या है। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड, है ना, एक पहिया है कहते हैं, है ना बच्चों, एक पहिया है जिसको हम लोग टायर होते ना बचपन में खेलते थे, वो टायर चलाना वो वाला, तो एक पहिया है कहते हैं, उन्हें कितना रेवोल्यूशन करा, हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजेंटल ग्राउंड, एक हॉरिजेंटल ग्राउंड के ऊपर वो आधा घूम गया, वो टहिया आधा घूम गया। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज, मतलब वो हमें बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करो, किसका, ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्यू इनिशियली इन कॉन्टैक्ट, शुरू में जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में पॉइंट था ना, वो उस वाले पॉइंट की बात कर रहा, तो मैं उस वाले पॉइंट को यहाँ पर बना रहा हूँ, इस वाले पॉइंट का हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, पूरे टायर का नहीं, सिर्फ इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमको मालूम करना है, कितना घुमाएंगे, आधा, आधा मतलब ये घूम के किधर आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, है ना, घूम के किधर आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, तो मैं फिर से एक बार उसको बता रहा था, देखिए ये हमारा वही टायर है,
बट अभी इन्हें घूम के किधर आ गया, ऊपर आ गया, तो मैं हमारा पॉइंट कर दूंगा, ये है हमारा वही वाला पॉइंट। तो शुरू में कहां था, इधर, लास्ट में किधर है, वहां पर ऊपर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, मतलब हमको ये वाला हिस्सा मालूम करना है, ये कितना है बोलकर, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे हम, बहुत ही आसान। आप एक काम करो, मुझे पहले ये बोलो कि ये वाला साइड कितना है, कौन सा वाला साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड कितना है। तो आप बोलोगे तो 2R है, क्योंकि रेडियस आ जाता ना, तो टोटल कितना होता है 2R। अगर हमको ये वाला नीचे वाला साइड मालूम हो जाए, नीचे वाला साइड मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमको ये वाला साइड मालूम हो जाए, तो हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज को मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला साइड है कितना, तो जैसा मैं उन्हें बोल रहा हाफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर कौन घूमे। अच्छा, और से अगर आप देखोगे तो ये टायर पर इधर था ना, ये इधर था ना, तो ये घूम के ऊपर आ गया है, यहाँ से घूम के इधर आया, तो यहाँ पर कौन ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा टायर ट्रैवल कर रहा है, ये दिख रहा है। अगर अगर मैं एक और पॉइंट बता दूँ ये ऊपर पिंक कलर से, तो अभी पिंक कलर वाला पॉइंट किधर आ गया, नीचे आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पूरा पिंक वाला टायर, ये पिंक वाला हिस्सा ऐसे इसके ऊपर रोल कर रहा था ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके आ गया। तो कितना ट्रैवल कर रहा है, इन्हें पूरा अपना हिस्सा टच करा है, आधा हिस्सा टच करा है। आधा हिस्सा मतलब पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल नहीं, उसका आधा मतलब 2πr का आधा कितना होता है, πr। तो ये वाला डिस्टेंस कितना लग रहा है हमें, πr लग रहा है। इमेजिन करो ना, आप टायर को मारे, तो जब ये टायर आगे बढ़ता ना, तो टायर का जो ये गोल वाला हिस्सा रहता ना, उन्हें जमीन को लिटते हुए आगे जाता है ना। तो ये πr है और ये 2r है, हमको क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम होगा, अगेन वही फार्मूला। फार्मूला क्या है जी बच्चों, मालूम है शायद आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो अपोजिट क्या है, यहाँ पर अपोजिट मान लो 2R है, बोलो यहाँ पर लिख देंगे 2R का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट क्या है, पाई R का स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4R का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई का स्क्वायर और R का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे है ना, 2 का स्क्वायर इज 4। अगर हम लोग आर स्क्वेयर को कॉमन निकाल लें, तो आर स्क्वेयर को अगर हम कॉमन निकाल लें, तो हमें बच जाएगा यहाँ पर 4 प्लस पाई स्क्वेयर, और यहाँ पर रह जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वेयर। मगर हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हम स्क्वेयर उधर भी जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट मतलब हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वेयर। और अगर आप रूट अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये हाइपोटेनस इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट क्या है, 4 प्लस पाई स्क्वायर। जैसे आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया है, वो क्या दिया है कि रेडियस ऑफ 1 मीटर, मतलब ये है कि आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 1 मीटर। अगर आप वो सब्सिट्यूट कर दोगे तो हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँ मैं एक एक चीज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। तो यही हमारा असल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे ऑप्शन जीरो में है, आपके बुक में होंगे, देख लीजिए आप लोग, ए बी सी डी ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन है ये √4 + π² √4 + π² इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, भाई अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस का जीरो होना जरूरी है, नहीं है क्यों, क्योंकि अपन अभी देखे थे एथलीट वाले केस में, एथलीट अगर यहां से निकला पॉइंट पी से और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, मगर क्या डिस्टेंस जीरो है, नहीं है। डिस्टेंस कितना है, पूरा सर्कमफेरेंस घुमा है वो, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है बोले ऐसा। तो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, डिस्टेंस मस्ट बी जीरो, नहीं ऐसा तो नहीं, मस्ट बी जीरो तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो का बात भी खतरनाक, इतना भयानक नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, बोले ऐसी बात नहीं है। Cannot be zero, may or may not be zero बोल सकते हैं, depending upon particle, नहीं particle के mass वगैरह पे depend नहीं करता हो। Cannot be zero बोलना भी गलत है, कि हो सकता zero हो, उन्हें हटा ही नहीं अपनी जगह से, उन्हें अगर अपनी जगह से हटा ही नहीं, तो distance भी zero है और displacement भी zero है, तो displacement के zero होते हुए distance भी zero हो सकता, अगर वो particular person, particular particle अपनी जगह से नहीं हटा तो, है ना, और अगर हट गया तो distance रहता, तो मस्त भी बोलना गलत है, कम मतलब होना छोड़ना जीरो नहीं, नहीं छोड़ना जीरो वो भी गलत है, पार्टिकल पे डिपेंड करता वो भी गलत है, भाई मे और मे नॉट बी जीरो, वो भी सकता जीरो और नहीं भी हो सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जरा एक बार पढ़ लेंगे, क्या है, इफ डिस्टेंस कवर्ड। हाँ ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक मिनट दीजिए प्लीज। जी हाँ, तो क्या लिखा है, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, डिस्टेंस इज जीरो मतलब डिस्टेंस इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ इज नहीं है मतलब जगह से हटाच नहीं होने, तो अगर डिस्टेंस मतलब जगह से हटाच नहीं है ना, एक्चुअल पाथ कुछ ट्रैवल कराच नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल आता है क्या, हद ही नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ये मैं आपको नोट पर भी लिखाया होगा मेरे नोट्स पे थे, कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट पक्का जीरो हो जाता, मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस में भी जीरो रहता या फिर में भी जीरो नहीं रहता, ऐसा कुछ तो मेरे नोट पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है हमारा ये वाला, ठीक है जी बच्चों। तो क्या है ये सवाल, पहले इसको बता देंगे। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। वैसे खुली खुली बात है, ये क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नहीं, मोशन इन प्लेन का है, ठीक है। मोशन इन प्लेन वो तो नेक्स्ट चैप्टर का है, बट बास बुकों में क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है जरा देखिए एक बार, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर, अब याद है शायद हम नॉर्थ को ऊपर को बोलते हैं, तो 30 मीटर चला गया, ओके कांग्रेचुलेशन, शुरू कहाँ से करा, यहाँ से शुरू करा। उसके बाद एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इधर चला गया, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो नॉर्थ हो गया ईस्ट हो गया। फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलते हो अगर आपको याद है तो, मैं बोला था कि ये नॉर्थ है और ये वाला डायरेक्शन साउथ है, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मतलब इसके बीच में ऐसे करो क्वेश्चन। तो यहां पर था मैंने, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं ये बोल रहा है कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है ऐसे करके, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आया, कितना आया 30√2 मीटर, कितना आया 30√2 मीटर्स, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना दूर है, देखे तो हार्ड दिख रहा होगा और बहुत आसान है, खाली करने का काम एक ही है, क्या है वो करने का काम, ये जो है ना 30√2, उसको ये ईस्ट यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में उसको डिवाइड करना है, उसको तोड़ना है, उसके कॉम्पोनेंट बनाना है, तो कॉम्पोनेंट बनाने का बड़ा सिंपल रूल है बच्चों, बहुत ही आसान। अगर मैं ऐसे लिखा है यहाँ पर कि ये 30√2 है, ठीक है ये 30√2 है, तो यहाँ पर उसका कितना कंपोनेंट है वो मालूम करना होगा, और यहाँ पर उसका कितना कंपोनेंट है वो मालूम करना होगा, मतलब उसका कितना हिस्सा एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसका कितना हिस्सा वाई एक्सिस में जा रहा है, और वो मालूम कैसा होता है, क्योंकि वो बोल रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ का एंगल गारंटी के साथ 45 डिग्रीज है ना, तो अगर ये 45 डिग्रीज है यहाँ का एंगल, ठीक है, तो ये क्या होता मालूम, जिसके साथ एंगल लगा हुआ रहता ना उसके साथ कॉस थीटा आता, ये कई को आता, मैं आपको मोशन इन प्लेन के चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मगर अभी तो हम लोग ये समझेंगे कि 30√2 यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कॉस थीटा, तो थीटा कितना है 45, तो यहाँ पर आता cos 45, और इधर क्या आएगा, इधर भी सेम 30√2, मगर इसके साथ आता है साइन, क्या आता है साइन, तो यहाँ पर आता है sin 45, ठीक है जी बच्चों। मगर आपको खुद मालूम है कि cos 45 यानी कि 1/√2 होता, sin 45 यानी कि 1/√2 होता, तो ये अगर हम इसको लिखेंगे कुछ और कलर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 30√2 का 30√2 है कुछ इनटू cos 45 इज नथिंग बट योर 1/√2, तो ये रूट टू और ये रूट टू क्या हो गया कैंसल, तो ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, यानी कि अगर मैं ये जो हमारा डार्क व्हाइट लाइन था इसका अगर हिस्सा इधर डालो तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 मीटर, 30 मीटर मतलब 20 को क्रॉस कर दिया है ना, 20 को क्रॉस कर दिया आगे निकल गया 30 मीटर। और अगर इस वाले का देखें हम लोग नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करें तो नीचे वाले में आएगा क्या आएगा बच्चों, 30√2 का 30√2 sin 45 नथिंग बट 1/√2, तो ये रूट टू और ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा 30, मतलब नीचे कितना आ रहा उसका, व्हाइट वाले का कितना हिस्सा नीचे आ रहा, व्हाइट वाले का हिस्सा नीचे आ रहा 30 ही, कितना आ रहा है 30 मीटर ही, मतलब ये है कि जब उन्हें ऐसे करके नीचे आता ना तो वाई एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं रहता, मगर एक्स एक्सिस में इधर साइड में 10 मीटर आगे चला जाता, इधर साइड में मतलब वेस्ट के साइड में,
वेस्ट के साइड में कितना चले जाते गुरु में 10 मीटर आगे चले जाते, क्यों? क्योंकि 20 आगे था, 20 से इधर से 30 आए, तो 30 आया मतलब 20 को तो फिट हम कर लिए, मगर 10 और बच गया ना, और वो 10 की साइड है, इस साइड है, मतलब वेस्ट की साइड है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 10 मीटर अलोंग वेस्ट, 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स में डाउट पूछिए, इंशाल्लाह डाउट को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या है बच्चों हमारा, अगला सवाल है हमारा, ए भाई सवाल बताओ भाई, सवाल अगर आपके पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी पॉइंट रहता ग्राफ का उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना भाई? एक टेंजेंट ड्रॉ करना। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका जो स्लोप निकलता, जैसे आपको मालूम है कि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता, तो इस टेंजेंट का जो भी स्लोप आता दैट स्लोप विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करने के लिए कौन सा तरीका यूज करें? ग्राफिकल मेथड यूज करें। कौन सा मेथड यूज करें? ग्राफिकल मेथड यूज करें। तो पहला सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ग्राफिकल मेथड ही है, मगर कुछ वेबसाइट्स में, कुछ क्या बोलते हैं उसको, बुक्स में स्पीडोमीटर भी दिया हुआ है, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आपके ऑप्शंस में खाली ग्राफिकली अकेला है तो उसको टिक करिए, और अगर ग्राफिकली नहीं है स्पीडोमीटर है तो उसको भी टिक कर सकते, और अगर दोनों भी है तो पहला प्रेफरेंस आप ग्राफिकली को ही दीजिए, क्योंकि ग्राफ से ही ज्यादातर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मालूम करते हैं, स्पीडोमीटर ज्यादातर एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है ये, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहे तो दोनों का भी स्ट्रेट लाइन आना, अगर हम लोग ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें भाई, हम लोग ड्रॉ करें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये ले लीजिए, ये है एस और ये है बच्चों पी, तो दोनों का भी क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दोनों का भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल्स ऑफ 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज विद द टाइम, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, मतलब अगर एक का ड्रॉ करो, एक का ऐसा है एक का ऐसा है, दोनों का भी स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल बता रहा है कितना 30 डिग्री और अब एक एंगल बता रहा है कितना 60 डिग्री, तो ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है, तो हम क्या मालूम करना, वी ए और वी बी, जैसे आपको मालूम है बच्चों स्लोप इज नथिंग बट योर टैन थीटा है ना, तो अगर स्लोप अगर आप इस ग्राफ का देखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप देखोगे तो आपको वेलोसिटी देगा, तो यहां पर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, सो वी ए शुड बी इक्वल टू टैन थीटा, एंड इन दिस केस इन ए केस द एंगल इज 30 डिग्री, तो टैन 30 कितना हो जाएगा बच्चों, टैन 30 हो जाएगा 1/√3, तो अगर आप दूसरे वाले बंदे का स्लोप मालूम करोगे दूसरे वाली लाइन का, तो वो वी वी देगा मतलब वेलोसिटी वी देगा, और उसका एंगल है 30 नहीं उसका एंगल है 60, तो टैन 60 कितना होता है बच्चों 3/√3, और अगर हमको वी ए बाई वी बी मालूम करना है, वी ए बाई वी बी मालूम करना है, तो हमको क्या करना है बच्चों 1/√3/√3 करना है, कुछ भी लेना तो उसके नीचे भी बन रहता, हर नंबर के नीचे बन रहता, हर वेरिएबल के नीचे बन रहता, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 1/√3, और ये √3/1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाता है, इन्हें भी उल्टा हो जाता है 1/√3, नीचे √3/1 है ऊपर जाके क्या होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, यू विल गेट 1/3, सो योर आंसर शुड बी 1:3, 1:3 इज ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्या है ये क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड सेकंड हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी इज, जैसे आपको मालूम है बच्चों कि अगर अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2v1 v2 / v1 + v2, मैं क्लास में इसको डिराइव कराया था, होपफुली आपको याद होगा,
तो टू का तो टू है बच्चों, वी वन कितना है ना, वी वन है हमारा 30, वी टू है हमारा 50, बाई वी वन प्लस वी टू यानी कि 30 प्लस 50, सो यू विल गेट व्हाट इज, हाँ तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, 2 into 30 into 50 by 30 plus 50 is 80, तो ये जीरो कैंसिल कर दीजिए आप लोग अगर चाहते हो तो, इसको 2 1 जा और इसको हम 2 4 जा बोल सकते हैं। तो ऊपर आ गया हमको कितना आ गया बच्चों, वी एवरेज इज इक्वल टू ये 3 है और ये 5 हो जाए, तो 3 5 15, तो 150 by 4। अच्छा इसको और कैंसिल कर सकते हैं ना, कैसे कैंसिल करेंगे हम इसको, 2 से कर लेंगे आसान आसान, 2 2 जा 2 7 जा 14, तो यहाँ पर आया जाएगा 1, तो 2 5 जा 10, तो हमको 75 by 2 आया है, तो 2 3 जा 6, तो 1 जाएगा, तो 2 7 जा 14.5 है ना। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है 37.5 किलोमीटर पर आवर, 37.5 किलोमीटर पर आवर, नहीं मिली ऑप्शन गलत कर दीजिए, सही है सही होगा, अगर कुछ गलत है तो बोलिए, तो आंसर शुड बी 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है चलिए नेक्स्ट और कंटिन्यू करेंगे हम लोग।